बराही विधायक उमाशंकर अकेला यादव पर मृतक सुहाग के परिजनों ने झूठ बोलने का लगाया आरोप। विधायक जी बोल रहे हैं 2 लाख दिए हैं। विधायक जी बोले हैं ना, तो उनको ले आइए सामने, सामना करेंगे, उसके बाद उनसे सवाल करेंगे उनसे, उसके बाद हम जाएं। सियासत करने वाले नेता या तो जनता को बेवकूफ समझते हैं या फिर उनके साथ हमदर्दी का झूठा नाटक कर लोकप्रियता बटोरने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही में कुछ दिन पूर्व एक युवक अफाक खान की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, जिसके बाद आक्रोशित जनता इंसाफ के लिए सड़क जाम करती है और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाती है। इन सब के बीच स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव पीड़ित परिवार से मिलते हैं और सरकार से इंसाफ दिलाने का वादा करते हैं। माता जी को, इनके पिताजी के, इनके परिजन को मैंने मुख्यमंत्री के पास ले जाऊंगा और जितना हो सकेगा इस परिवार को, एक लड़का उसका था वो बेच कर गया, तो हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम तो इसके परिवार के एक नौकरी दो। परंतु पीड़ित परिवारों के साथ यह वादा कर वह भद्दा मजाक करते हैं। कांग्रेस विधायक अकेला यादव से जब यह सवाल किया गया कि पीड़ित परिवार को वह किस तरह से मदद दिलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने अशफाक खान के परिजनों को 2 लाख मुआवजा के रूप में दिया है। यह बातें उन्होंने कोडरमा के समरणालय परिसर में एक सभा के बीच द न्यूज खजाना द्वारा सवाल पूछे जाने पर कहा था। आपके ही क्षेत्र में अशफाक खान की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई, जिस तरह रुपेश पांडे जी को पूरे सरकार के मंत्री विधायक जाके उसे इंसाफ दिलाए, सरकार की ओर से सहायता राशि दिलाए, क्या उसी तरह अशफाक खान को भी उसके परिवार को सहायता राशि मिलेगा और इंसाफ मिलेगा? को हम बुलाया, सबसे पहले मैंने उस परिवार को 2 लाख रुपया दे करके उसको हम मदद करने का काम किया। स्वयं मैंने 2 लाख रुपया कल ही दिया हूँ उनके परिवार को और हमने जांच उसको कराएंगे। जिस दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, मैं आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जिन लोगों ने उस पर हमला किया है, जिन लोगों ने मारा है, अब बेवजह मारने का काम किया है और चोरी का आरोप गलत लगाया है, इसकी जांच हो जाएगी और उसकी कार्रवाई करवा लूंगा। जब हमारी टीम ने पीड़ित परिवार से इस संबंध में जानकारी मांगी तो परिजनों ने विधायक अकेला यादव के द्वारा दी गई किसी भी राशि के मिलने से साफ इनकार कर उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। मिल पाया अभी कुछ नहीं मिला है। विधायक जी बोल रहे हैं 2 लाख दिए हैं। विधायक जी बोले हैं ना, तो उनको ले आइए सामने, सामना करेंगे, उसके बाद उनसे सवाल करेंगे उनसे, उसके बाद हम जवाब देंगे कि वो 2 लाख दिए हैं कि 5 लाख दिए हैं, ये भी उनको बताएंगे कि कितना दिए हैं, ये आप लोगों को बताएंगे। बहुत लोग आखिर सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि जब दो समुदाय को अलग अलग तरह से तोलने में लग जाती है तो इंसाफ का मिलना बहुत दूर नजर आने लगती है। इसी बरही क्षेत्र में जब रुपेश पांडे नामक युवक के साथ घटना होती है तो सरकार के नुमाइंदे के रूप में विधायक मंत्री पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुआवजा राशि के साथ पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी तक दिला देते हैं। लेकिन जब दूसरे समुदाय के लोगों के साथ घटनाएं होती है तो स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर सरकार पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठी रहती है। बरही विधायक अकेला यादव के इस कारनामे पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जोहार।